सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम करने वाले हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम किसे कहते हैं। देखिए वेन डायग्राम की मैं बात करूँ तो इसमें से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर हमें 3 से 4 सर्कल दिए हुए होते हैं, मोस्टली 3 होते हैं दोस्तों, 3 सर्कल दिए हुए होते हैं और उसमें से हमें चूज करना होता है ऑप्शन। एक क्वेश्चन तो हमारा UGC नेट में इस तरह का आता है और जो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड आता है, उसकी जो बातें उससे रिलेटेड आता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें करने ज़रूरी है। और एक और जो क्वेश्चन आता है कथन अभिकथन का, वो भी हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। इसमें मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर वेन डायग्राम के माध्यम से दी गई वस्तुओं के समूह को वर्गीकृत करना, यानी कि इसके अंदर हमें काफ़ी तरह की चीज़ें दी हुई होती हैं, उनको हम समूह में अलग अलग डिवाइड करते हैं। और इसके अंदर जैसे अक्षरों के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से भी हम अपनी चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये जो चैप्टर है हम करेंगे दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो इसमें जो अच्छी बातें हैं और जो नेगेटिव बातें हैं वो दोनों चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेन डायग्राम, वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ाता है। और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, दोनों हमने दिए हुए हैं। वेन डायग्राम कैन एनकरेज आवर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद है वेन आरेख संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है। वेन डायग्राम इज क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। ये क्या है कि इससे हमें संकेत मिल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, एक हमें एक इंडिकेशन ये दे देता है। उसके बाद जैसे वेन डायग्राम अधिक कथनों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। जो वेन डायग्राम वो क्या करता है दोस्तों, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट प्रेपोजिशन एज वेल एज क्लासेस। तो इसके अंदर जो कथन अभिकथन होते हैं उनको वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता है। और कथन अभिकथन से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है ना, ये अपने जितने भी मैं ये करवा रहा हूँ पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से क्वेश्चन आए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, और इवनिंग की जो वीडियो होगी उनके अंदर मैं ये सभी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या है, यही आगे वेन डायग्राम अभी कथनों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये संकेतन की स्पष्ट पद्धति उपलब्ध कराता है, ये चीज़ हमने ऊपर यही पढ़ी थी, यहाँ पे ये बात होगी। और ये जितने भी पॉइंट हैं ना दोस्तों, ये हमारे पेपर के अंदर आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं। ये देखिए ये यहाँ भी रिपीट हुआ है और ये यहाँ भी रिपीट हुआ है। और मैं आपको कई बार कहता भी हूँ कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं UGC नेट के अंदर। इवनिंग की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे रिपीट हुए हैं। और आगे दोस्तों, यह वैध परीक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति उपलब्ध कराता है। इट कैन प्रोवाइड द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी। ये किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड हमें प्रोवाइड करवाता है। समवाक्य संबंधी न्याय आकार के प्राथमिक अनुमानों की वैधता का
प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करना। अब हो सकता है आपको ये हिंदी में समझ में ना आए, हिंदी में कई बार जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। रिप्रेजेंट द एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे हम बात करें, वेन आरेख चिंतनांकन की स्पष्ट विधि है, इसका मतलब क्या है? वेन डायग्राम इज ए क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, यानी कि वेन डायग्राम से हम अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। वेन आरेख निपाधिक न्याय वाक्य के वैधता परीक्षण की सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। अब देखिए कैसे कन्फ्यूज कर देते हैं इंग्लिश के अंदर, सॉरी अब देखिए हिंदी के अंदर हम कैसा कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसका क्या मतलब है। तो इंग्लिश में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम इज़ द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे ऊपर की थी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे की थी, प्रोवाइड द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है दोस्तों, जो वेन डायग्राम है वो हमें डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड करवाता है टेस्टिंग द मेथड ऑफ कैटेगोरियल सिलोलॉजिज्म्स, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वेन डायग्राम हमें डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड करवाता है किसी भी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए। और इसके बाद में जैसे एक दो और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं हम इसमें। वेन आरेख विधि में निरापुधिक न्याय वाक्य के परीक्षण के लिए तीन अधिव्यापत वृत्त बनाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन ए वेन डायग्राम मेथड द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम टेस्टिंग ए कैटेगोरियल सिलोलिज्म। अब देखिए कैटेगोरियल सिलोलिज्म को डिफाइन करने के लिए हम तीन सर्कल इस तरीके से बनाते हैं, तीन कैसे भी हो सकते हैं दोस्तों, वो तीन ऐसे भी हो सकते हैं, इसके अंदर तीन सर्कल होते हैं। तीन सर्कल क्यों लिए जाते हैं, उसके अंदर जैसे बताया था कि दो तो हमारे अभिकथन होते हैं और एक हमारा निष्कर्ष होता है, तो इसलिए हम तीन लेते हैं इसके अंदर। और वेन आरेख तर्कों को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करता है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। वेन डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सभी के सभी जो पॉइंट है दोस्तों, आप एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें से मैं डेफिनेटली कह रहा हूं दोस्तों, अब की बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें से पीछे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये पूरे सभी के सभी पॉइंट आप अच्छे से कर लेना। और अब एक और जो पॉइंट आता है दोस्तों इसके अंदर, ये आता है कि वेन डायग्राम में कौन सी बात सही नहीं है, ये हमें देखना है। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, वो ये आती है, यह वैध या अवैध हो सकता है, ये बात इसकी गलत है, ये इनवैलिड यानी कि गलत है, ये सही बात नहीं है। जो वेन डायग्राम है वो ना ही तो वैध हो सकता और ना ही अवैध हो सकता। तो जहाँ भी आपको ऑप्शन में ये दिखाई दे कि यह वैध या अवैध हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत चीज़ है वेन डायग्राम से रिलेटेड। और आगे दोस्तों, इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्यापक दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। अब ये देखिए इसके अंदर कहा है कि जो हम सिलोलिज्म को, जो कैटेगोरियल सिलोलिज्म है उसको डिफाइन करने के लिए हमें दो वृत्त की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, जहाँ पे वेन डायग्राम की बात आई वहाँ पे हम तीन जो है तीन सर्कल की बात करते हैं, तो ये इसकी बात गलत है, दो का यूज़ नहीं करते हम, तीन का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और मैं दिखाऊंगा आपको आगे, तो उसमें देखना आप। चलिए मैं ये दिखाई देता हूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए दोस्तों, ये रहा, नीचे दिए गए कोटों में से किस्म में केवल सही कथन समाविष्ट है, कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं आंसर बी, ए बी डी, यानी कि ए बी और डी, ये सही है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन आरेख तर्कों को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करता है, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। ऑप्शन टू, वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। वेन डायग्राम कैन एनकरेज आवर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही। उसके बाद डी, वेन आरेख संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है, वेन डायग्राम इज ए क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वेन आरेख को वैध या अवैध कहा जा सकता है,
ये चीज़ गलत है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन इवनिंग को करेंगे। और अब बात आती है दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड, जो ग्राफिकल तरीके से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, उनको हम किस तरह से करेंगे ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे कुछ आकृति दिए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ए, ए में क्या दिया है कि दो सर्कल हमें यहाँ पे दिख रहे, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। ए दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे में पूर्णतः समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है। अब देखिए हम ये मान लेते, ये मान लिया हमने एक्स और ये मान लिया हमने जेड, ये मान लिया, हाँ जेड मान लिया हमने, ठीक है। जो एक्स है ये जेड के अंदर पूरा का पूरा समाहित है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए नहीं है, ये एक दूसरे में समाहित है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बी देखते हैं, बी के अंदर देखिए, बी के अंदर इस तरीके से ये हमें दिए हुए हैं, मिले जुले हुए दिए हुए हैं, ये एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से समाहित नहीं है लेकिन मिले जुले हुए हैं। ये देखिए दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं। अब देखिए इसके अंदर ये मान लेते हैं कि ये ए है और ये हमारा बी है, तो इन दोनों में ये जो चीज़ है दोस्तों ये कॉमन चीज़ है दोनों की, और बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित नहीं है लेकिन कॉमन चीज़ इनमें है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखते हैं, अब इसके अंदर जैसे ये है, इसके अंदर दो जो सर्कल है वो हमारे बिल्कुल अलग दिए हुए हैं, तो इनका मतलब ये है कि इनमें कोई भी सदस्य समान नहीं है, इन दोनों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, कोई भी कॉमन चीज़ इनमें नहीं है। अब इन्हीं के बेस पे दोस्तों हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो सर्कल यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने ऊपर बात की थी कि तीन सर्कल यूज़ करते हैं, दो सर्कल हम यहाँ पे केवल और केवल आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो रियल क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए इसमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपकी समझ बढ़ेगी। यहाँ पे हमें दो सर्कल दिए हुए हैं और जैसे ए बी सी ई डी, ये क्या है कि ये अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, और डी ई एफ ये गणित पढ़ने वाले छात्र हैं। अब देखिए इसमें देखते क्या है, उपरोक्त चित्र में हमें क्या दिया हुआ है, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले ए बी सी है। अब देखिए जो छात्र केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं वो कौन से हैं, ए है बी है और सी है, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। और आगे देखते हैं हम, इसमें केवल गणित पढ़ने वाले एफ हैं, जो ओनली केवल और केवल गणित यानी कि मैथ पढ़ते हैं वो क्या है दोस्तों, वो एफ है। और उसके बाद में दोनों पढ़ने वाले छात्र कौन से हैं, डी और ई, जो छात्र अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और गणित भी पढ़ते हैं वो कौन से हैं, डी और ई छात्र हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको ये जो ग्राफ है और ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि इन्हीं इन्हीं के बेस पे हमारे आगे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, कौन सी संख्या भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय कौन से हैं, भारतीय एक है दो है तीन है चार है, उसके बाद में वकील कौन कौन से हैं, सात है छः है तीन है और दो है, उसके बाद में अध्यापक कौन कौन से हैं, पाँच है छः है तीन है और चार है। अब हमें क्या देखना है कि भारतीय, सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए और जो वकील भी है, जिनके अंदर तीनों के तीनों गुण हों, जो भारतीय भी हो वकील भी हो और अध्यापक भी हो, तो ऐसे ऐसी कौन सी संख्या है इसके अंदर, आप बताइए। इसके अंदर हमारी संख्या तीन है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये बीच की संख्या है, इनके अंदर तीनों के गुण हैं, ये भारतीय भी है अध्यापक भी है और वकील भी है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और
अगर क्वेश्चन नंबर एक में ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल और केवल अध्यापक को प्रदर्शित करती है, तो वो आंसर बताइए दोस्तों, वो क्या होगा। सभी के सभी दोस्त इसका आंसर देना, मैं समझूंगा, मेरे को पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं कि ऐसे कौन सा नंबर है जो केवल और केवल अध्यापक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप सभी बताना, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या होगा। अगर इन ऑप्शन में नी भी दिया है ना, तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर टाइप करना, ठीक है। अभी आंसर एक होगा, सात होगा, पाँच होगा, तीन होगा, छः होगा, जो भी होगा वो आप आंसर टाइप करना, जिससे मेरे को पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। तो और हमारी जो कल की जो वीडियो आएगी दोस्तों, उसके अंदर हम कथन अभिकथन में किस तरह से वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं वो वीडियो करेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो ऐसे युवाओं को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है पर शिक्षित नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ऐसे युवाओं को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। पहले हम इस पूरे ग्राफ को देखते हैं। देखिए ये है यूथ, यानी कि युवा है हमारे पास, ये पढ़े लिखे हैं और ये है रोजगार है जिनके पास। अब देखिए यूथ कौन कौन से, यूथ में कौन कौन से आते हैं, एक आता है, दो आता है, पाँच आता है, चार आता है। उसके बाद में हमारे पास जैसे पढ़े लिखे कौन कौन से आते हैं, तीन आता है, छः आता है, पाँच आता है, दो आता है। उसके बाद में रोजगार किन किन के पास है, सात आता है, छः आता है, पाँच आता है और चार आता है, इनके पास रोजगार है। अब हमें ये देखना है ऐसे युवा, सबसे पहले हमें युवा देखना है, तो ये जो सर्कल है इसमें देखना है युवा जिनके पास रोजगार तो है, यानी कि जो इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन हो, इन दो के अंदर कॉमन हो, लेकिन शिक्षित नहीं है, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमें देखने हैं ऐसे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, आप बताइए इसका क्या आएगा। देखिए इसका आंसर हमारा आएगा चार आएगा। अब देखिए मैंने कहा था कि इसमें और इसमें जो कॉमन है वो चीज़ हमें देखनी है, जो युवा है और रोजगार है जिसके पास में, लेकिन शिक्षा नहीं है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है। तो जो नंबर चार जो है, बी जो ऑप्शन है, वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।